जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जफर इकबाल, तुसी वेख रहे हो वारिशा कला तितर ग्रुप। जी प्यारे भाई, ये वारिशा कला तितर ग्रुप और ये जफर इकबाल, ठीक है मेरा भाई, और ये मेरा सुल्तान तितर, ठीक है मेरा भाई, ये चेक करे, चलो चलो ठीक है, अभी मैं भी शागिर्द हूँ। ये सुल्तान तितर है। तो आज एक मेरा दोस्त था और उसका आज मुझे मैसेज आया, यार जफर भाई मेरे पास एक तीतर है, तो वो जो है ना चंद उठा के रखता है, तो आप इसके बारे में YouTube के ऊपर या तो वीडियो बनाएं या फिर हमें जो है ना इसका नुस्खा बताएं भी, ये चंद कैसे छोड़ेगा। हम लोग कहते हैं तितरों से कट हो गया, चंड उठा ली, सिंधी लोग कहते हैं तितर से जो है ना चुट कर गया। तो बात करने का मकसद ये है मेरा भाई, ये मेरे पास जो सुल्तान तितर पड़ा है ये आदमी का सुपर मस्त है, और चिट्टे तितर का, बगड़े तितर का बिल्कुल सुपर मस्त है, और सीजन में खाली पिंजरा ऐसे दिखाएंगे तो सुकाटे मारेगा, लेकिन आउट सीजन में ये चंड उठा के रखता है, बोधी उठा के रखता है, मुझसे खुद से जो है ना ये बोधी उठा के रखता है। तो मेरा भाई ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो अच्छा तितर होता है, नामी ग्रामी तितर होता है, तितर की पहचान होती है, आउट सीजन में वो चंड उठा के रखेगा, वो अच्छे तितर की पहचान होगी। अगर मेरा भाई जैसे मैं व्यापारी हूं, कई और लोग व्यापारी हैं, जो व्यापारी क्या करते हैं, तितर के साथ तितर लगा के तो तितर को कट कर देते हैं, तितर कट करके तो फिर जो है ना आगे सेल कर देते हैं, और नया आदमी उसने 50,000 का तितर लिया, वो कट किया हुआ 5,000 का भी नहीं कोई लेगा। तो मेरा भाई अगर किसी के पास, अगर बिल फर्ज आपने तितर लिया है, तितरों के साथ लगा के चेक करके लें, अगर बिल फर्ज आपका तितर कट हो गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप घबरा गए तो वो शौक ही खत्म हो गया। ये जो शौक है काले तितर का, ये बहुत अमोल शौक है, और ये जिगरे वाला आदमी कर सकता है, आम आदमी का बस का रोग नहीं है ये काले तितर को उठा के चलना, ये जिगरे वाला, हिम्मत वाला, हौसले वाला इंसान जो है ना काले तितर का शौक कर सकता है। तो मेरा भाई मैं अपने सुल्तान तितर से भी आपकी मुलाकात करवाता हूं, काफी वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया भी है, और आज आपको जो चीज दिखाऊंगा आप सब देखेंगे। अगर आपका तितर कट हो गया तितरों से तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा था। प्यारे भाई अगर आपका तितर कट हो गया है ना, तो आप क्या काम करें, 5 दाने लौंग के लें, 5 दाने लौंग के, और लौंग लें जिंदा, मरे हुए नहीं, कमजोर नहीं। उसके बाद दो रतियें मस्त रूमी ले, मस्त रूमी पंसारी की दुकान से मिल जाती है। उसके बाद आप क्या करें, सब्ज लाची नहीं, बड़ी लाची, काली वाली लाची, जिंदा लाची लेनी, खुश्क वाली नहीं, मरी हुई नहीं लेनी। उसके 9 दाने जो अंदर से बीज को होंगे, 9 दाने वो निकाल लें। उसके बाद 4 दाने लौंग, उसके जो ऊपर वाले फूल हैं वो उतार लें, जो नीचे डनी है वो फेंक दें। उसके बाद देसी मुर्गी की जर्दी, अंडे की जर्दी लें, देसी मुर्गी का अंडा, उसके अंदर से जर्दी निकालें उबाल के। छोटी मक्खी का शहद लें, इसको माम दस्ते में अच्छी तरह से जो है ना लौंग को भी और लाची को भी और मस्त रूमी को भी माम दस्ते में ना अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लें। जब उसका पाउडर बन जाएगा उसके अंदर थोड़ी सी जो है ना देसी मुर्गी की जो जर्दी है ना, अंडे की जर्दी, वो डाल देना। उसके अंदर थोड़ा सा छोटा शहद डालोगे आप, छोटी मक्खी का शहद डालोगे, वो गोलियां बन जाएंगी।
तो आपने क्या काम करना है, कितनी बड़ी गोली रखनी है, इतनी बड़ी गोली रखनी जैसे गंदम का दाना होता है। तो तितर को, अपने तितर को तितरों से जुदा कर दें, अपने तितर को तितरों से जुदा कर दें। शाम को डेली एक गोली जो है ना आपने देनी है। एक सीजन आपने तितरों से तितर को बचा के रखना है और तितरों से जुदा करके रखना है, और पूरा सीजन जो है ना आपने वो गोली खिलाता रहना। आपका तितर बोलेगा भी, मस्तियां भी करेगा, सब कुछ करेगा। अगले सीजन में जब आप तितरों के साथ लगाओगे, अल्लाह के हुक्म से तितर आपका काम करेगा, नहीं काम करेगा तो आपके भाई का गिरेबान आगे पकड़ना। ये हमारा तजर्बा है। मैं काफी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ आप दोस्तों को, अपने भाइयों को, मैं काफी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। हम YouTube के ऊपर वो नुस्खा लेके आते हैं जो हमने अपने तितर के ऊपर इस्तेमाल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया तितर कट का, ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी शौकीन हूँ, लेन देन भी करता हूँ, और जो बड़ी मजे की बात है, जो मेरा उस्ताद है वो भी सिंध का है और 70 से 75 साल उसकी उम्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नुस्खा उसके जहन में नहीं होता वो मुझे फोन करके पूछता है, यार जफर ये तितर को फालज हो गया, तितर को ये मसला बन गया, यार ये हो गया है। तो मैंने वो जो है ना जो मेरे नॉलेज में होता है वो मैं दे देता हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जो है ना, अल्लाह की फजल करम से वो तितर जो है इंशाल्लाह वो सेट हो जाता है। तो मेरा भाई, मैं बात करने का मकसद ये है, किसी भी किस्म का तितर हो, किसी भी किस्म का तितर हो, कट हो जाए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो मैंने नुस्खा आपको बताया, आप मेरी पूरी वीडियो मुकम्मल वॉच करेंगे, आपको समझ आ जाएगी, और अल्लाह के हुक्म से आप ये जो शिकारी हैं इनके धोखे फ्रॉड और फ्रेब से बच जाएंगे। तो चलता हूँ मैं सुल्तान की, आपको जो है ना मुलाकात करवाता हूँ, आप सुल्तान को देखना। और ये सीजन में आदमी की, खाली पिंजरे की, हर चीज की ये मस्ती करता है, और आउट सीजन में ये सफेद तितर की मस्ती करता है। तो ये मेरा भाई, ये मेरा सुल्तान तितर है, चेक करें। ये इधर हमारे इलाके में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, एक चोली मैंने ये ऊपर दी हुई है और दूसरी चोली ये मोटे वाली चोली दी हुई है, बुग मोटे वाला बुग दिया हुआ है। तीसरे नंबर पे ये चेक करें, ये कपड़ा पल्ला दिया हुआ मैंने, मोटे वाला पल्ला। और आज कम से कम 8 से 10 दिन हो गए हैं मैंने अपने तितर का ये मैट साफ नहीं किया, कचरा जो है ना नहीं निकाला मैंने। तो ये मेरा सुल्तान तितर है, आप चेक करें मेरा भाई। अब ये भी मस्ती बिल्कुल, ये एक जैसे चिड़िया होती चिड़िया बनी पड़ी है, हालांकि इसको बगड़े की भी मस्ती है, आदमी की भी मस्ती है, हर चीज की, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरा भाई, हौसले से सब्र से काम लेंगे तो इंशाल्लाह आपका शौक बरकरार रहेगा। तो जो नया शिकारी होता है बेचारा घबरा जाता है, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है, जो नया शिकारी होगा वो हमारी वीडियो देखेगा तो इंशाल्लाह कामयाब होगा और अपना जो है ना शौक बरकरार रखेगा। तो ये मेरा बगड़ा तितर है, ये छोटू जिसका नाम मैंने रखा हुआ छोटू। तो भाईजान देखो सर्दी इतनी है, ये बगड़ा तितर जो है ये भी नहीं तो ये सीटी कभी इसने मिस होने नहीं दी। तो अब कितनी सीटी ली है, तो 2-3 आवाजें निकाली हैं तो चुप कर गया है मेरा भाई।
इधर हमारे इलाके में इतनी सर्दी पड़ रही है, हम खुद जो है ना कमलों के अंदर और जैकेटें पहनी हुई हैं और शूज वगैरह और टोपियां ली हुई हैं, तो इन परिंदों का बेचारों का जो है ना कसूर ही नहीं है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह निगेमान, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो।